लगभग बीते एक साल से चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारतीय वायुसेना के हवाई जखीरे में फिर इजाफा होने जा रहा है। दरअसल राफेल लड़ाकू विमानों की नई खेप आज फ्रांस से भारत पहुंच रही है। खबरों के मुताबिक 3 राफेल लड़ाकू विमान आज शाम अंबाला के एयरबेस पर लैंड करेंगे। ये तीनों विमान फ्रांस से भारत की दूरी बिना रुके तय करेंगे। इसके लिए यूएई के आसमान में तीनों विमानों के एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जाएगी, यानी उड़ान के दौरान आसमान में ही ईंधन भरा जाएगा। बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल लड़ाकू विमान की डील है। भारत में फ्रांसीसी दूत इमैनुअल लेनिन ने कहा है कि कोरोना के बावजूद 2022 तक तय समय में सारे लड़ाकू विमान भारत को सौंप दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि कोरोना के बावजूद हम भारत को तय समय और उससे पहले राफेल सौंपने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभी 21 राफेल भारत को दिए गए हैं, 11 पहले से ही भारत को दिए गए, 3 अभी उड़ान भरने वाले हैं, अप्रैल अंत तक 5 और दे दिए जाएंगे। स्पेशल डेस्क, नवदीप, टुडे न्यूज़, दिल्ली।